हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल हेल्थ मिशन असम रिक्रूटमेंट के ऊपर। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स बोल दूंगा आप लोगों को, आप बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द कैंडिडेट्स विलिंग टू वर्क इन मिशन मोड फॉर एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रिक्रूटमेंट है। नीचे यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स दिया हुआ है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का पोस्ट है सिविल के लिए। क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्री इन सिविल वर्क विद 10 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिटेड 62 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018। एक ही पोस्ट है, सैलरी निगोशिएबल है। नेक्स्ट देख सकते हो पोस्ट आप लोग, एडिशनल कंसल्टेंट का पोस्ट है। क्वालिफिकेशन चाहिए MBBS विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड जिनेकोलॉजी फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज मेडिकल कॉलेज एंड रजिस्टर्ड विद असम मेडिकल काउंसिल। और भी यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। मिनिमम एक्सपीरियंस है ये 5 ईयर्स का, अप टू 62 ईयर्स एज लिमिट है 1 अप्रैल 2018 तक। टोटल वैकेंसी है 2, सैलरी होगा 38,000। नेक्स्ट PA और मिशन डायरेक्टर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी ग्रेजुएशन यहाँ से चलेगा। साथ में डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। और भी कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। एज लिमिट आप लोग देख सकते हैं, मैक्सिमम 43 ईयर्स 1 अप्रैल 2018 तक। एक ही पोस्ट है, 24,000 सैलरी है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट मीडिया एक्सपर्ट, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मिनिमम 4 ईयर्स एक्सपीरियंस ही है, अप टू 43 ईयर्स एज लिमिटेड 1 अप्रैल 2018 तक। टोटल वैकेंसी 24,000 सैलरी है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, क्वालिफिकेशन इन सोशल वर्क और सोशल साइंस और रूरल डेवलपमेंट विद एटलीस्ट 3 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। और भी यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। एज लिमिट होगा 43 ईयर्स मैक्सिमम 1 अप्रैल 2018 तक। एक ही पोस्ट है, 22,000 सैलरी है। नेक्स्ट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर का, क्वालिफिकेशन चाहिए BCA और BSc IT और BA IT और BSc कंप्यूटर साइंस, DOEG लेवल और इक्विवेलेंट एटसेट्रा और अबव। मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट है 43 ईयर्स 1 अप्रैल 2018 तक। टोटल पोस्ट है 9, सैलरी होगा 19,000। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर को पोस्ट है। नेक्स्ट MBA और PGDM चाहिए फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। रिलेवेंट एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का चाहिए, अप टू 43 ईयर्स एज लिमिट है 1 अप्रैल 2018 तक। टोटल वैकेंसी 11,000 होगा सैलरी। नेक्स्ट है ब्लॉक अकाउंट्स मैनेजर का, BCom विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, क्वालिफिकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, एज लिमिट है मैक्सिमम 43 ईयर्स 1 अप्रैल 2018 तक होना चाहिए। टोटल वैकेंसी 16,500 सैलरी है। नेक्स्ट क्लिनिक इंस्ट्रक्टर, BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग पास एंड रजिस्टर्ड विद असम नर्स, मैक्सिमम एज लिमिट है 43 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018 तक। टोटल वैकेंसी 11,000 सैलरी है। नेक्स्ट है ऑडियोलॉजिस्ट, ए बैचलर डिग्री इन ऑडियोलॉजिस्ट चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट है 43 ईयर्स 1 अप्रैल 2018 तक। टोटल वैकेंसी 30,000 है सैलरी। ऑडियोमेट्रिक नेक्स्ट पोस्ट है, ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट ए टेक्निकल पर्सन विथ 1 ईयर टेक्निकल पर्सन होना पड़ेगा विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच। नेक्स्ट सॉरी एज लिमिट है 43 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018 तक। टोटल नंबर है वैकेंसी 13, सैलरी होगा 15,000। नेक्स्ट है स्टाफ नर्स का, BSc नर्सिंग क्वालिफिकेशन चाहिए और GNM कोर्स पास फ्रॉम एनी नर्सिंग स्कूल और इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज बाई इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मैक्सिमम एज लिमिट है 43 ईयर्स 1 अप्रैल 2018 तक। टोटल वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, 446 है और 16,500 सैलरी है। नेक्स्ट जूनियर इंजीनियर का, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल क्वालिफिकेशन चाहिए और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निकल पास होना चाहिए इन्हें दो ट्रेड में से। साथ में यहाँ पे और भी कुछ डिटेल्स दिया, आप लोग देख लेना, मैं पूरा पढ़ने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एज लिमिट है अप टू 43 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018 तक। टोटल वैकेंसी है 2, सैलरी है 21,000। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग यहाँ देख सकते हैं, विल बी रिसीव टिल 15 मई 2018 तक इसका लास्ट डेट है। विदाउट द अबव क्वालिफिकेशन मे नॉट अप्लाई। द शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू सिलेक्शन टेस्ट इन द रिस्पेक्टिव पोस्ट विल बी पब्लिश्ड इसी वेबसाइट में पब्लिश NHM.assam.government.in। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा और इस वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जो है जाके आप लोग डिटेल्स वगैरह चेक करना कर लेना, और अगर आप एलिजिबल हो एंड इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मैं से आप लोगों के लिए गवर्नमेंट अपडेट के ऊपर वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं और एक नए अपडेट के साथ।